नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है रितेश किचन बाइट्स। तो सांभर की एकदम शानदार वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा। कुकर में 5 मिनट के अंदर बना डालिए। जी हाँ, आपको 2 बर्तन भिड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इस तरीके से बनाएंगे तो। कि आपको दाल पहले बनाना है, फिर उसको तड़का लगाना है, कुछ भी नहीं, बस कुकर में मेरे बताए उस तरीके से आप बना डालिए। इतनी अच्छी आपको ये सांभर की रेसिपी लगेगी कि सिर्फ आप इसे इडली और डोसा जब बनाएंगे तभी नहीं बनाएंगे, इसे आप हफ्ते में कई बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतना अच्छा लगेगा आपको कि इसके चावल के साथ भी खाएंगे आप और सूखा भी ऐसे कई कटोरियाँ पी जाएंगे। तो चलिए बता देता हूँ शानदार सी रेसिपी आपको। तो यहाँ पर इमली ली, थोड़ी सी मैंने इमली को साफ कर लिया है और इसे गुनगुने पानी में हम भिगा कर रख देंगे कुछ देर के लिए। और फिर ले रहे हैं कुकर, इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहें तो दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस तेल गर्म होते ही 1 चम्मच राई दाना और कोई खड़े मसाले वगैरह नहीं डालेंगे इसमें। उसी के साथ में कुछ बारीक कटी हरी मिर्च और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज करी पत्ता, जो इसकी एक पहचान है, सांभर की जान है और स्वाद को बढ़ाता है। और सूखी लाल मिर्च, इसके अंदर के मैंने बीजे निकाल दिए हैं और इस तरह इस्तेमाल किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। उसके बाद ले ली यहाँ पर गाजर छोटे टुकड़ों में काट करके, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और ये फूल गोभी, जिसे हमने काट कर अच्छे तरीके से साफ कर लिया है फिर मिलाया है, और थोड़े से यहाँ पर छोटे कटे हुए आलू। तो सब्जियाँ आप कितनी भी ज़्यादा इस्तेमाल करिए सांभर में कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्कि बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। और यहाँ पर ली है लौकी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके साफ कर लिया है, उसके बाद मिलाया है। इसके अलावा भी आप कोई सब्जी मिलाना चाहें ना मिला सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप यही सब्जियाँ मिलाएंगे तो ये सांभर कहलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ मिलाएं उतना बढ़िया है, सेहतमंद है, बच्चों को खाने में अच्छा रहेगा और स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। कुछ देर अच्छी तरीके से इनको भूनने के बाद यहाँ पर हमने मिलाया है टमाटर और उसके साथ ही 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जो इसके कलर को बहुत बढ़िया एकदम लेकर के आएगी हमारी कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर, तो सांभर देखने में बहुत अच्छा रहेगा ना। तो आप मेहमानों को या घर में सबको खिलाएंगे तो अलग ही आपकी तारीफ होगी। लेकिन दाल जो हमने इस्तेमाल करी यहाँ पर, दाल को भिगो कर रख दिया था। और कितनी, यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कटोरी मूंग दाल और 1/2 कटोरी अरहर की दाल, इनको साफ कर लिया है, लेकिन उससे पहले 1 से 1.5 घंटे भिगो दिया था ताकि एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसे पकाने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये बहुत आसानी से एकदम पक जाएंगी, क्योंकि सब्जियों के साथ गलेंगी नहीं ये, कि हमारी सब्जियाँ ज़्यादा गल जाएँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप भी इस्तेमाल करें तो भिगो कर रख दें तो इसे बनाना काफ़ी आसान होगा, तो सब्जी और इसका कॉम्बिनेशन बराबर बैठा रहेगा। और पानी मिला दीजिए जितना दाल लिया था उससे 3 गुना 4 गुना भी चलेगा, यहाँ पर कोई मेजरमेंट की बात ही नहीं है। इसमें पानी कितना भी ज़्यादा डालें वो सब हम एडजस्ट कर सकते हैं, और सांभर कुछ पतला रहे तो ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सांभर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर 1 चम्मच नमक, या स्वाद के हिसाब से आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं मिलाना है अभी, है ना। तो अभी सिर्फ इतना ही कि इसे ढक्कन लगाना है और हम 4 से 5 सीटी लगाएंगे और हमारा शानदार सा एकदम परफेक्ट सांभर बनकर होगा तैयार। आप देखिएगा 4 से 5 सीटी बाद इसे हम ठंडा होने पर कुकर को खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके हालचाल हमारे सांभर के। तो देखिए इसके हालचाल एकदम शानदार से दिख रहे हैं, और देखिए परफेक्ट एकदम दाल हमारी पक गई है और सब्जियां बिल्कुल पक चुकी हैं, लेकिन गली बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही हमको चाहिए होता सांभर अगर परफेक्ट बनाना है। और इसके स्वाद में और 4 चांद लगाने के लिए मिला दीजिए इसमें 2 चम्मच सांभर मसाला, या आपको और चटपटा पसंद है और सांभर मसाला पसंद है और ज़्यादा मिला सकते हैं। और देखिए इमली हमारी गल गई थी तो हमने उसका एक जूस तैयार कर लिया है, और इमली का यहाँ पर जो रस तैयार किया हमने उसको मिलाना है, कितना स्वाद के हिसाब से, यहाँ पर तो मैंने मिलाया भाई 4 चम्मच, तो आपने स्वाद के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए। यहाँ पर इमली मिलाने के बाद सिर्फ 2 मिनट पकाना है कि सांभर बढ़िया से कलर आ जाए और गाढ़ा हो जाए। अब कितना गाढ़ा करना है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, मैंने तो इतना रखा यहाँ पर, इतना परफेक्ट रहता है, कुछ देर अगर रखा रहे तो और भी गाढ़ा हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके साथ ढेर सारी रेसिपीज और शेयर कर सकूं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अलाउ कर दीजिए। तो ये देखिए, तो ये सांभर आपको वड़े के साथ में, डोसे के साथ में, सबके साथ अच्छा लगेगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।